टोक्यो में लॉन्च हुआ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, भारत, अमेरिका, जापान समेत कुल 13 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी व्यापारिक साझेदारी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन के वर्चस्व को चैलेंज करने का है मंतव्य। ये देश और ये साझेदारी चीन के ऊपर सप्लाई चेन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक जो ओवर डिपेंडेंस है उसको किस हद तक कम कर पाते हैं, और क्या आने वाले दिनों में चीन के ऊपर ये निर्भरता कम होगी, चीन इस निर्भरता को कम होते चुपचाप देखेगा या नहीं, तो उसकी तरफ से क्या काउंटर एक्शंस हो सकते हैं, दुनिया इस बात का अंदाजा लगाने में जुटी हुई है। लेकिन अपने आप में ये महत्वपूर्ण, ये इकोनॉमिक सहयोग निश्चित रूप से चीन की इंडो पैसिफिक में जो धीरे धीरे बढ़ता उसका कद और उसकी ताकत थी उसको किस हद तक कम करेगा ये कहना मुहाल, लेकिन उसमें एक सशक्त अंकुश जरूर लगाएगा। धीरे धीरे अगर ये तमाम देश आपस में चीन के खिलाफ खतरे को देखते हुए वाकई एक साझेदारी को एक कॉन्क्रीट रिजल्ट देने वाली साझेदारी में बदलते हैं तो ये साझेदारी बनाया जाना निश्चित रूप से सार्थक होगा। और इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के लॉजिक पर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत विश्व व्यापार का सदियों से केंद्र रहा है। गुजरात के लोथल में दुनिया का प्राचीनतम पोर्ट मौजूद है और हम सबके साथ मिलकर फ्लेक्सिबल व्यवस्था चाहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात जो भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से रेखांकित की गई कि सप्लाई चेन आप बना तो देते हैं और सप्लाई चेन पर लोग दूसरे जुड़ भी जाते हैं, लेकिन अगर इसमें ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलीनेस किसी बात की भी कमी है, इन तीनों में से कोई भी एक कम है, तो ये सप्लाई चेन मॉडल बहुत दिनों तक सस्टेन करने वाला नहीं है। और यहाँ आप देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण बैठक, अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, अभी तक की इस यात्रा और इस समय कही गई बातों को, किन बातों को आप खास तौर से रेखांकित करते हैं? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है वो इस इंडो पैसिफिक में इस एक इस तरह का गठबंधन बनाना है कि यहाँ का जो व्यापार है वो निर्बाध हो और भारत की अहम भूमिका हो। हम बात करते हैं, देखिए हमारे साथ में यहाँ के जो जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो मौजूद हैं, गुलाब गंभीर जी हैं, खुल्लर जी हैं। गुलाब जी, मुझे ये बताइए कि बिजनेस को जिस तरह से पीएम मोदी प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉन्च किया है, आपको क्या लगता है कितना इससे फ़ायदा होगा भारत को, खासतौर पर इस क्षेत्र में? क्योंकि पहली बात तो है कि जापान एक डेवलप कंट्री है और मोदी जी के यहाँ आने के हम सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए है कि मोदी जी जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ अपना बिजनेस में इम्प्रेशन छोड़ के जाते हैं। उससे जापान गवर्नमेंट जो है हमको उस कैटेगरी में ला के खड़ा कर दिया कि यहाँ ऑटोमोबाइल बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस सबका है, तो जो वर्ल्ड में यहाँ की कारें और पार्ट्स जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे हम इंडियन लोग हैं तो उसमें गवर्नमेंट हम लोगों को जो इंडी जब मोदी जी आते हैं तो हम लोगों को एक विशेष कैटेगरी में रख दिया जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। खुल्लर जी हमारे साथ मौजूद है, आपने कहा विशेष कैटेगरी में रख देते हैं, मैंने मोदी जी के यहाँ आने का विशेष फायदा मिलता है आप लोगों को? बहुत फायदा मिलता है। जैसे हम लोग हमारा गाड़ी का बिजनेस है, सुजुकी का डीलर है हमारे पास, सुजुकी का डीलरशिप है और सुजुकी के जो खाइचो हैं वो मोदी के बहुत फैन हैं। अच्छा, तो कभी भी उनकी हमारी मीटिंग होती है सुजुकी की, तो अगर सुजुकी का खाइचो एक घंटा बात करता है उसमें 40 मिनट वो इंडिया के लिए बात करता है। अच्छा, ऐसा है। मोदी की तारीफ करते हैं वो। ये मोदी जी का इंप्रेशन है? मोदी का इंप्रेशन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल विद मोदी। मोदी है तो मुमकिन है, आप भी मानते हैं ये सब? ये धारणा है, ये मुमकिन हो चुका है क्योंकि कोरोना से पहले एक्चुअली मेरा और देशों में बिजनेस है तो मैं 18 डेज एक्स्ट्रा फ्लाइट में होता था। जब मैं वहाँ, उससे पहले हम लोगों के वीजे के लिए लगना पड़ता था। अब हम जिन देशों में जाते हैं हमसे पूछता ये जाता है कि सर हाउ लॉन्ग यू विल स्टे हेयर, ये पूछते हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, एंटरटेन कि आप कितना रहना चाहते हैं, हम कहते हैं 3 दिन रहना, नहीं कि आप सर 90 डेज यहाँ रहिए। ये सब मोदी जी के आने के बाद हुआ है। बहुत बड़ी बात ये लोग कह रहे हैं और यही जो है जिस तरह से भारतीय कम्युनिटी जिस तरह से उनको बेनिफिट हो रहा है पीएम मोदी के आने से, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साह है यहाँ पर पीएम मोदी की इस विजिट से। बिल्कुल अभिषेक, और उत्साह हमें नज़र भी आया और क्या परिवर्तन आया है पिछले कुछ सालों में, उसका इंपैक्ट कैसा है, वो भारतीय बिजनेसमैन जो इस वक्त जापान में मौजूद हैं वो बताते हुए नजर आए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।